look. Well, hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. समय हो चुका है 6:39 और मैं निकल रहा हूँ मंगोलदेव के लिए. मंगोलदेव जो है कि दरोंग डिस्ट्रिक्ट में, और काफ़ी लेट हो चुका है निकलते निकलते. जानबूझ के लेट हुआ है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी था आज. मंगोलदेव जो है लगभग 70-80 किलोमीटर्स है. ताबड़तोड़ ट्रैफिक हो रही है यहाँ पे. जल्द से जल्द गवर्नमेंट अगर फ्लाईओवर बना दे तो बात बन जाए. अरे जाने देना रे बाबा. ओके, थैंक यू सो मच ट्रैफिक वाले भैया, बहुत ही मेहनत और मजदूरी के साथ काम करते हैं. अच्छा है तो अभी खुली खुली और ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है. काफ़ी भगा रहे हैं मियाँ, तो खुली खुली ठंडी हवाएं लग रही है. पेट्रोल जो है डालना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. डालेंगे आगे जाके थोड़ा. ओके, पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप. अरे हौले हौले से डालेंगे रे पेट्रोल. इनका कुछ ना कुछ नाटक चलता ही रहता है. कुछ दिन पहले आए थे ब्लॉग में, देखे थे ना आप, बोल रहे थे कि लाइन नहीं है, बिजली नहीं है. आज बोल रहे वोल्टेज अप डाउन कर रहा है. कुछ भी मतलब. पुआमोक का जाने वाला दिन जिस पेट्रोल पम्प में डाले थे उसी पेट्रोल पम्प में डालेंगे. रेडिसन ब्लू के पास में था वो पेट्रोल पम्प. मिल गया मिल गया मिल गया पेट्रोल पम्प. मैं चला रहा था लगभग 70-80 के स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बाइक के एवरेज फ्यूल इकोनॉमी. आप बहुत पूछते रहते हैं कि ये आपका बाइक का माइलेज कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज यहाँ पे लिखा है 32.1. जी हाँ, 70-80 की स्पीड में मैं जब क्रूज़ करता हूँ तो बाइक का माइलेज होता है 32. इट इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग. इंडियन ऑयल वाले भैया जल्दी से डालने का, बड़का गाड़ी में उसके बाद मेरे वाले में डालने का, समझा. अमाउंट बढ़ गया ना, घट गया, बढ़ गया और 81 हो रहा है. बाप रे बाप, डेली भर रहा है 10-15 पैसा करके. हाँ, ये लास्ट वीक में तो कंटिन्यू भरा है. क्या होगा. अरे मोदी जी कुछ करो, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो बाइक चलाने का ये महंगा शौक भी बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो फिर वीडियो कहाँ से बनाएंगे, और वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपका एंटरटेन कौन करेगा, समझे. अरे बाबा अरे बाबा. चलो, पेट्रोल का टेंशन हो गया ख़त्म, अभी आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर. तो भाई लोग कुछ दिन बोले थे ना यहाँ पे, ये रहा भूपेन हाजुरिका का सेतु बोले थे. एक्चुअली सेतु नहीं है, समाधि है. इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग. आप लोग भी क्या पकड़ते रहते हो यार छोटी छोटी बातों को, समझाया करो. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Time हो चुका है 7:10 और मैं सिटी से लगभग 5 या 10 किलोमीटर बाहर निकल चुका हूँ, और थोड़े ही आगे जाके हम लोग पहुँचने वाले हैं बायहाटा. सो दोस्तों पहुँच चुके हैं बायहाटा चाराली, और पता नहीं कहाँ से निकल गया है टाइम, वो भी घपाघप. और यहाँ से मंगोलदेव लगभग होगा 30-35 किलोमीटर आई गेस. नहीं नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 40 जैसा होगा. यहाँ पर मैं पहले भी आया था, एक है समरू जंकर का भूटान वाला, और दूसरा था मदन कामदेव वाला, वो बहुत पुराना ब्लॉग है. तो यहाँ पे दिन में कैसा दृश्य होता है वो आप पुराने वाले ब्लॉग में देख सकते हो अगर चाहते हो तो. फाइनली पहुँच चुके हैं मंगोलदेव. तो यहाँ किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, चलिए. सो यप गाइस, पहुँच चुके हैं मंगोलदेव, एंड द रीजन के यहाँ पे हम आए हैं, इसका रीजन है हमारे ये प्यारे से दोस्त. हाय मिस्टर, क्या बोलते हो, शाकाल. मिस्टर शाकाल, और भाई का है कल बर्थडे, तो बहुत ही कम दोस्त है मेरा, जितने भी है सब स्पेशल है. तो भाई को स्पेशल और फील करवाने के लिए हम आ चुके हैं मंगोलदेव. कल अलग प्लान है, कहीं पे जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए. तो बर्थडे बर्थडे का सेलिब्रेशन चलता रहेगा. अब सिनेमेटिक शॉट में पूरा रात का जितना भी कारनामा है देख लीजिए, और भाई का हेयर स्टाइल भी चेक कर लीजिए सिनेमेटिक शॉट के साथ. उसके बाद डायरेक्टली सुबह को मिलते हैं. चलिए, ओके ओके, चलो बाय बाय बोल दो. बाय बाय. चलो
वेल यप गाइस, अभी निकलने वाले हैं, बट लेट मी शो यू वन थिंग. एज यू कैन सी, दिस इज द यामाहा फ्रेजर 2010 मॉडल. दिस इज माई बाइक, माई प्रीवियस बाइक. इसमें मैंने यू नो अराउंड 155,000 किलोमीटर चलाया था. इसको मैंने बेचा है यहाँ पे मंगलदो में एक दोस्त को. सो बहुत सारी यू नो यादें हैं इस बाइक में. और इसको मैं बुलाता था लेजेंड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आई एम लेजेंड. हियर वी यूज्ड टू हैव अ ग्रुप आल्सो विद अ नेम कॉल्ड बिगार बॉयज. आई एम गेटिंग इमोशनल. फ्रॉम 2010 टिल 2016, और 2016 के नवंबर में मैंने लिया था R3. ओके, चलो फिर. और ये मेरी नई R3, नई तो नहीं, मतलब अभी फिलहाल जो मैं चलाता हूँ. चलो फिर. ओके, खाना हम लोग ने खा लिया है फोर सीजन रेस्टोरेंट में थोड़ी देर पहले. एंड खाने में खाया क्या खाया, चाय पिया, कॉफ़ी पिया, सब कुछ पिया. और अभी हम लोग निकल रहे हैं. जगह का नाम क्या था, कोरामूर. ओके, दिस इज द प्लेस, कोरामूर टी स्टेट. ओके ओके, राइट नाउ आई एम एट द करीम चौक मंगलदोय. और हम लोग इसी रोड से आगे बढ़ेंगे हमारी मंजिल के ओर, जिनका नाम है कोरामूर. मंजिल की ओर कोरामूर, इट्स बिकम अ राइमिंग वर्ड. अच्छा है. अरे बाबा लाए जा रहे बाबा. हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे. चलो 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 आगे चलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है. चलो धूप में छाओ, इससे ज्यादा मजेदार चीज और क्या हो सकती है. जंगल, वादी, पेड़ पौधे, पर्वत. पर्वत तो नहीं है भाई. ओके, इस वाले रूट में मैं पहले भी आ चुका हूँ. But that time our destination was different. It was Samrup, not Samrup, it was Samrang. वो वाला वीडियो आप देख चुके हो अगर मुझे पहले से फॉलो करते हो. अगर नहीं देखा हो तो ऊपर में आई बटन आएगा, इधर में या फिर इधर में. तो वो सामरांग वाला ब्लॉक था, भूटान में गए थे हम लोग. इधर में खेतम खेत, उधर में भी खेतम खेत, बीच में पक्की सड़क. अच्छा है. ओ वाओ. ओए मैं सागोली कोई टुक पागोली. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules? तो पहुंच चुके हैं गाइस टांगला. टांगलांगला, टांगला के आगे लगा दीजिए अंगला तो बन जाएगा टांगलांगला, जो कि लद्दाख में है. टांगलांगला है जो 17,780 फीट में है, और ये टांगला है -17,000 फीट में है. यहाँ से लेना पड़ेगा राइट टर्न, पता नहीं कौन सा मोड़ है. हमने ले लिया है राइट टर्न यहाँ से, और रास्ता काफ़ी रोमांचक लग रहा है मुझे अब तो. अरे ख़त्म हो गया रोमांचक, ख़त्म हो गया. फिर से आ गया पक्का सड़क. यहाँ पे रास्ता थोड़ा बना रहे हैं, इसके वजह से कीप राइट कौशन. अच्छा, कौशल्या मैया ने लिख रखा है कौशन. हाँ, बीच में ब्रिज होने वाला है, मतलब पुलिया होने वाला है कुछ दिनों में. चाय दही तमाम मजा. तो यहाँ से एक चौराहा है, चौराहा का नाम है टांगला जुरपुखुरी. ये चौराहा से हम ले रहे हैं लेफ्ट टर्न. ये ब्लैक में तेल बेच रहा है तू. थोड़ा इंतज़ार किया उन लोगों का, जो कि ज़रूरी है व्हेनेवर यू राइड विद अ ग्रुप. और लोग आ गए और चले भी गए आगे, तो मुझे अभी उनको पकड़ना है, समझे. घांगरापारा डिस्पेंसरी, घांगरापारा. यहाँ राइट हैंड साइड में चाय की पत्तियों का गार्डन ही गार्डन है. क्या बताएं, चाय के बगान में घुस के हम लोग चाय की पत्तियाँ तोड़ के चाय बना के पियेंगे आज हम. काम यहाँ है, कैसे रास्ते में पहुँच गए मैं. एनीवेज गाइस, द नेम ऑफ दिस प्लेस इज अमलाईगुड़ी. तो हम लोग अमलाईगुड़ी पहुंच चुके हैं. पता नहीं अब तक डेस्टिनेशन पहुंचे नहीं है. टाइम हो चुका है 3:32, और आशा करते हैं कि और 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे. आ,
ये पुलिया तो जबरदस्त है रे बाबा। अरे बाप रे, सुखा नदी के ऊपर पुलिया। अरे बाप रे, अभी तो ताबड़तोड़ एडवेंचर शुरू हो गया बाबा। तब बोल्डर बोल्डर है एकदम चारों तरफ। वाव, जस्ट लुक एट द माउंटेन्स अहेड। दोज माउंटेन्स आर भूटानियन माउंटेन्स। और हम लोग भूटान के बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे रोड में बाइक भगा के बहुत मस्त लग कर बाबा। अरे बाप रे, सुअर मियाँ, आराम से आराम से। सो पूरा 4:01 में हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली कोरामोर्टी स्टेट। यहाँ पे होगा एंट्री। वाव, ठंडा ठंडा कूल कूल। वाव, बाप रे, क्या मस्त जगह है रे बाबा। पूरा छाव छाव एकदम। वाव, लुक एट दिस। नीचे खचा का चाय की पत्ती, ऊपर में घबा घब पहाड़। वाव, सो गाइस, जस्ट नाउ we reached this beautiful place. You won't believe how much beautiful this place is. Let me show you. Wait. Check this out. Oh, झाड़ियों में क्या कर रहा है तू? सुसु। ऐसा लग रहा है जो पोलो फील्ड, गोल्फ गोल्फ फील्ड होता है जो गोल्फ खेलते हैं हम लोग, उस तरह का नज़ारा आ रहा है। और बाइक देखना आपको दिखा रहे हैं। वेट वन सेकेंड, लुक एट आवर बाइक्स। वहाँ ऊपर में जो माउंटेन्स दिख रहा है आपको उस तरफ, दोज आर भूटानियन माउंटेन्स। दिस प्लेस इज रियली 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 ब्यूटीफुल। और वहाँ पे एक चीज लिखा है कोरानमोर, लेट मी शो यू। वेट, यहाँ पे एक छोटा सा घर है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस। ये जगह, इसमें अल्टीट्यूड भी है। जी हाँ दोस्तों, यू हर्ड इट राइट, यू सॉ इट राइट। 335 meters अबोव MSL मीन सी लेवल से हम लोग अभी फ़िलहाल 335 meters ऊपर है। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अपवर्ड्स एंड बियॉन्ड टू लैंड्स एंड वेलकम टू कोरानमोर। दिस आर नेम ऑफ द प्लेस इज कोरानमोर, दिस वाट इज रिटर्न ऑफ दियर। और चारों तरफ चाय का बगान, खेत, चाय का बगान। उस तरफ ऊपर में है पहाड़ और इतना सुंदर सा गोल्फ फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग चिल करेंगे, आप तब तक सिनेमेटिक शॉट्स देख लीजिए, मज़ा ले लीजिए। ओके, चलो। गाइस, बहुत ही सही जगह है ये। थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारा भाग दौड़ किया, एंजॉय किया, दौड़ा भागम सब कुछ किया हम लोग। रेस, एक रेस, छोटा सा 100 meters रेस भी किया था हमने, आप सिनेमेटिक शॉट में देख चुके हो शायद। शाम के बाद हाथी भी आते हैं यहाँ पे, तो बिफोर डार्क आप इस जगह को लीव कर दीजिएगा, दैट इज़ व्हाट इज रिकमेंडेड। और फोटोग्राफी भी काफ़ी किया है। फॉर दोस फोटोग्राफ्स, यू नीड टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम हैंडल, नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आराम से देखिए, एक बार तो विजिट कीजिए। अगर पास में रहते हो तो जल्दी विजिट कर लीजिए, और दूर रहते हो तो बाद में कर लीजिएगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। चलो अभी आगे जाएंगे, रस्ते में कभी चाय वगैरह पियेंगे, वहाँ पे मिलते हैं, चलिए। तो यप गाइस, राइट आफ्टर विजिटिंग कोरामोर टी स्टेट,
हम लोग कल ही वापस आ चुके थे मंगलदोई में, और आज मैं जा रहा हूँ वापस गुवाहाटी की तरफ। एंड यहाँ पे हम लोग शाम के चाय पीने के लिए रुके हैं। जगह का नाम क्या है भाई? खारखुआ ढाबा, रिपोस का ढाबा है, मतलब रिपोस का जो मालिक है वो मालिक का ही देना ढाबा रिपोस का ही है। रिपोस जो है आसाम में हर जगह फैला हुआ है, उसी का मालिक का ये ढाबा है, नया बना है खारखुआ में मंगलदोई जाने वाले रूट में। यहाँ पे बना है बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हैं पीछे जो लोकेशन है, जो व्यू है आप देख सकते हैं। इधर में पार्किंग है, उस तरफ फूलों का बगीचा है, उस तरफ है मेन रेस्टोरेंट। फूडिंग और लॉजिंग भी होता है ना? फूडिंग अभी तक नहीं हुआ, अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ। हाँ तो फूडिंग वगैरह होता है, तो यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे। तो दिस वाज द टीम गाइस, यहाँ पे शाबाज, हाय कादिर भाई, और ये आमिर भाई, हम सब मिलके गए थे कल कोरामूर टी स्टेट में, बहुत ही अच्छा लगा, एंजॉय किया हमने। और ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाया, दिखा तो दिया मतलब बात नहीं कर पाया ज़्यादा हम लोग, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आप भी जाओगे तो वहाँ पे आपको वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, आपको एंजॉय करने का मन करेगा। आप भी आओ और एंजॉय करो, नया लोकेशन है। एंड थैंक्स टू दरंग बाइकर्स फॉर इन्वाइटिंग मी और मेके मुझे दिखाने के लिए नए जगह, और थैंक्स टू हमारे शाबाज भाई, कल बर्थडे था इनका, तो एक बार फिर बिलेट हैवी बर्थडे, आप लोग भी बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में। और यहाँ से अगर वीडियो देखा है, पसंद किया है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट। चलो बाय 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 बाय।